नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसोमिया यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें हमें नींद प्रॉपर नहीं आती है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, जिसमें से पहला है ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर। इसमें जब हम अपने बेड पर लेट जाते हैं और हमें 30 मिनट या आधे घंटे से ऊपर हो जाता है और हमें नींद नहीं पड़ती, तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमें स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर है। सेकंड आता है स्लीप मेंटेनेंस स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर। इसमें जब हम सो जाते हैं और उसके बाद हमारी बीच रात में कई बार आँख खुलती है और प्रॉपर नींद आती जाती रहती है और मॉर्निंग में हमें बहुत थका थका महसूस होता है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमें स्लीपिंग मेंटेनेंस इंसोमिया डिसऑर्डर हो गया है। और तीसरा आता है अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम है कि सवेरे हमें नींद तो अच्छी आई और मॉर्निंग टाइम में समय से पहले आँख खुल गई और उसके बाद फिर हमें नींद ही नहीं पड़ी, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन भर डिस्ट्रेस और बहुत ही थका थका सा महसूस होता है। बहुत ही मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर की बात करूँगा जो कि है ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर। दोस्तों, अगर ग्लोबली देखा जाए तो 10% से 20% पॉपुलेशन इंसोमिया डिसऑर्डर का शिकार है और सिर्फ अगर एडल्ट्स की बात करें, वयस्कों की बात करें, तो ये आंकड़ा 30-40% होता है। इसमें जो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है वो है ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर, जिसमें की प्रॉब्लम ये आती है जब हम बेड पे लेट जाते हैं और उसके बाद हमें आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा लग जाता है सोने में और हमें प्रॉपर नींद नहीं आती और जिसकी वजह से हमें पूरा दिन बहुत ही थकावट और बहुत ही डिस्ट्रेस सा फील होता है और हम अपने वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और हमारी मेंटल स्थिति पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मगर दोस्तों, अगर ये कंडीशन लगातार 3 महीने तक, हफ्ते में 3 दिन और हर बार 30 मिनट से ऊपर लग रहा है सोने में आपको, तो ये मान करके चलते हैं कि आपको ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर हो चुका है। मगर दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये ऑनसेट स्लीपिंग डिसऑर्डर होता क्यों है? हमारे बॉडी में एक अलार्म होता है जिसको हम सर्केडियन साइकिल रिदम बोलते हैं, जब उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं उसकी वजह से स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सर्किडियन साइकिल हमें हेल्प करता है जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना शुरू करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जब उठते हैं, तो ये उस चीज़ को मेंटेन कर देता है और एक अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि आपने कभी महसूस भी किया होगा कि अगर हमें सवेरे 5 बजे उठना है तो हमारी ऑटोमेटिकली आँख सवेरे 5 बजे खुल जाती है, या हमें रात में 10 बजे सोना है तो अपने आप हमें 10 बजे नींद आना शुरू हो जाती है। और जब इस सर्किडियन साइकिल में डिस्टर्बेंसेज आ जाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमें प्रॉपर नींद नहीं आती, सवेरे जल्दी आँख खुल जाएगी या नहीं भी खुलेगी, हमें रात में आधे घंटे से ऊपर सोने में लग जाता है, तो ये सर्केडियन साइकिल के डिस्टर्बेंस होने से ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब क्यों होता है? सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि हम जो शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टाफ है, उनकी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सारी शिफ्ट्स लगती हैं, जिसकी वजह से उनका सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा, हमने देखा है कि कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं तो उनके भी सोने जागने का कोई समय नहीं होता, जिसकी वजह से उनको भी ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। हमने और आपने बहुत सारी मदर्स को देखा है जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, वो रात में उनको जगाते हैं, सोते नहीं हैं, रोते हैं, तो उनकी वजह से भी उनका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है और उन मदर्स के पास सोने का सही समय नहीं होता, जागने का सही समय नहीं होता, वो कभी भी उल्टे सीधे टाइम पे सोती जागती हैं, जिसकी वजह से उनको ये ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। एक और फैक्टर की हम बात करते हैं कि हम बहुत ही इमोशनली स्ट्रेस ले लेते हैं, या हमारे ऑफिस का स्ट्रेस होता है, फाइनेंस का स्ट्रेस होता है, इन सब फैक्टर्स की वजह से भी हमें नींद प्रॉपर नहीं आती और हमारा सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोगों को कभी भी सोने से पहले बहुत ही हैवी मील नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो। दोस्तों, ये भी देखा जाता है कि खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग वॉक करते हैं, हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और अपने शरीर को नहीं थकाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब ना हो और हमें प्रॉपर नींद ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देख लिया है कि क्या क्या फैक्टर काम करते हैं ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया डिसऑर्डर में, और अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस डिसऑर्डर को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्लीपिंग इंसोमिया की प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे जब हमें नींद सही से नहीं आई है और हम पूरे दिन थका थका लेजीनेस फील कर रहे हैं, तो हम कई बार कॉफ़ी का सहारा लेते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, समय मिलता है तो स्मोकिंग भी कर लेते हैं और रात में हम अल्कोहल को भी कंज्यूम करने लगते हैं। ये ज़रूरी है कि कुछ समय तक हमें ये चीज़ें हमारे मेंटल स्ट्रेस को नॉर्मल रख सके, मगर अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो फ्यूचर में हम खुला निमंत्रण दे रहे हैं डायबिटीज़ को, ओबेसिटी को, हाई ब्लड प्रेशर को, थायराइड की प्रॉब्लम्स को। अगर आपने समय रहते इस चीज़ को इग्नोर किया और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको ये भविष्य में ये सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद मेडिसिन में बहुत ही अच्छा इंसोमिया डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट होता है और ये रूट कॉज पे काम करती है, फॉर्मुलेशन बहुत ही अच्छे होते हैं और सबसे बड़ी बात इन मेडिसिन की ये होती है कि आप उनके एडिक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपकी रूट कॉज पे काम करती है और नेचुरल तरीके से नींद को आपके अंदर इंड्यूस करती है। अगर कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्यूचर में कि वो उन मेडिसिन का एडिक्ट हो जाए और बिना उनको लिए नींद ही ना आए। ये आप तब तक करें जब तक आपका एक्सपर्ट डॉक्टर रेकमेंड करता है, मगर आपको इनकी हैबिट पड़ने से भी बचाना है। तो यहाँ पर कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनको आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करके इंसोमिया डिसऑर्डर को आप सबसाइड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें तो अवॉइड करना चाहिए कि सोने से पहले हैवी मील नहीं लेना है, इसकी वजह से हमारा सर्कैडियन साइकिल डिस्टर्ब होता है और हमें प्रॉपर नींद नहीं पड़ती। दूसरा है अगर दोस्तों अगर कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप सोने से 3-4 घंटे पहले कर लें और थोड़ा सा जब आपका शरीर थका हुआ होगा तो आपको नींद अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आप एक अच्छी नींद को सो पाते हैं। सोने से 3-4 घंटे पहले तक आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, चाय नहीं पीनी है, अल्कोहल नहीं लेना है। इसकी वजह से आपको नींद तो आ सकती है मगर बीच में बार बार आपकी नींद खुलेगी। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करते हैं तो आपको एक साउंड स्लीप आ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप मोबाइल, लैपटॉप्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं तो सोने से 2 घंटे पहले आप इनको अपने पास से आइसोलेट कर दें, जिसकी वजह से आपका सर्कैडियन साइकिल डिस्टर्ब ना हो और आपको एक अच्छी नींद आ सके और आप जब मॉर्निंग में उठें तो बहुत ही फ्रेश फील करें। दोस्तों एक और बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लेते हैं तो ये भी आपकी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स और काम कर देता है और आपको एक बहुत अच्छी नींद आती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बेडरूम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा बेडरूम सिर्फ 2 ही एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, या तो सोने के लिए या सेक्स के लिए। दोस्तों रूम का अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही कोजी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। वहाँ पर टीवी, लैपटॉप, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सके। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ही खास तौर से ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने बेड पे जाएं तो लाइट डिम होनी चाहिए या डार्क एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जो कि आपकी आंखों को एक सूदिंग इफेक्ट देता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है ताकि आप एक अच्छी गहरी नींद को ले सकें और बाद में आप जब सवेरे उठे तो बहुत ही फ्रेश फील करें और आपकी बॉडी के अंदर फुर्ती हो और आपके अंदर एक एनर्जी नेक्स्ट लेवल की हो। दोस्तों ये जो मैंने सारी टिप्स बताई हैं, अगर आप लगातार 6 महीने तक इसको फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि ये आपकी ऑनसेट स्लीपिंग इंसोमिया की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सकती है। दोस्तों इन सारी टिप्स में सबसे अच्छी बात यह है कि हम नेचुरल तरीके से अपनी सोने की आदतों को बदल सकते हैं और एक अच्छी नींद को ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम और आप एक दूसरे की यूं ही मदद कर सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।